हाँ जी गाइस, स्वागत है जी आप सभी का नए ब्लॉग में। जय श्री राम जी सभी को। और आज इस समय बज चुका है सुबह के 7 बज रहे हैं, और आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज 25 मई है, वोटिंग डालने का दिन है। और आज अपन जा रहे हैं सुबह सुबह, क्योंकि भाई दोपहर में ना हिम्मत नहीं पड़ती, धूप बहुत तेज होती है। इससे काम, जो काम जल्दी कर सको ना वो काम जल्दी निपटा दो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। 7 बज चुके हैं और अब अपन निकल रहे हैं। मम्मी तैयार हो? पापा कहाँ हैं? ऊपर अब चाय पियोगी? हाँ, अरे खुल आके गया पी लेना, वहीं खुल पिलवा देंगे गया चाय। खुल गया। हाँ 7 बज के, नहीं 8 बजे खुलता है। ना 7 बजे का टाइम है, 7 से शाम के 6 बजे तक। तो जितने जल्दी चल लो उतना अच्छा है, देखो सूर्य देवता चढ़ जाएंगे। और धूप गर्मी पता है दिल्ली की कैसी हो रही है, तो इसलिए अपना काम जल्दी है, जितना जल्दी हो सके उतना निपटाते हैं, वोट डाल के आते हैं भाई। मिलते हैं जी आपसे, क्योंकि ना वहाँ पे फोन तो अलाउड होता नहीं है, ना फोन अलाउड होता है ना कैमरा अलाउड होता है, तो अपना कैमरा यहीं रख के जाएंगे और फिर आपको आके दिखाते हैं वोट डाला हमने। ठीक है जी। सो हाँ जी गाइज, हम तो अपना मतदान करके आ चुके हैं और जस्ट आकर के बस बैठे ही हैं। और ये देखो वोट दिख रहा है ना, क्लियर एकदम क्लियर। तो भाई वोट डालना बहुत ज़रूरी है भाई, अपनी पसंद की, अपने मन पसंद की सरकार चुनो। ठीक है जी। और तो सब बढ़िया ही है बाकी तो। हो सकता है शायद सोनीपत जाना पड़ेगा अभी मुझे, क्योंकि मौसी को छोड़ने जाना पड़ेगा। हरियाणा में भी वोट है और मौसी यहाँ पर आई हुई है, और मौसी को भी वोट डालना ज़रूरी है। देखो अगर हो सका तो या तो मामा जी आएंगे अभी, या फिर मैं जाता हूँ अभी, जस्ट कॉल करके पता चल जाएगा कि मामा जी आएंगे लेने या मैं जाऊँ। ठीक है, टाइम से अपना निकल जाऊँगा। अगर अगर मामा जी आएंगे तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि आने में टाइम लगेगा। इससे तो अच्छा मैं सोच रहा हूँ मैं ही चला जाऊँ। ठीक है ना, मैं वहाँ पर छोड़ के फिर आ जाऊँगा, ये सोच रहा हूँ। ठीक है ना। और एक जगह की और प्लानिंग बन रही है, बहुत जल्दी नया ब्लॉग आएगा उसके लिए भी। और इससे पहले वाला ब्लॉग आपने देखा नहीं देखा, ये वाला एसी का कुछ बताया है इसके बारे में, जाके देख लेना। अगर नहीं देखा तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में यार, ये और चेकआउट करना। ठीक है जी। और एलसी को दिखाऊं, गुची को दिखाऊं आपको? गुची देखो कहाँ बैठी हुई है, पलंग के नीचे घुसी हुई है, और एक वहां बैठी हुई है, दिखाता हूँ। ये नहीं, ए एलसी, ओ एलसी, हाँ। और इसको देखो ये अंदर बड़ी भी पता नहीं क्या कर रही है। ए ए एलसी, ओ गुची, गुची बाहर आओ, गुची, ए गुची, पता नहीं क्या ढूंढ रही है अंदर। ये भी आ गई देखने। हाँ भाई, ये मेरी गुच्चू 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 गुच्चू, बढ़िया है ना, तो प्यारी प्यारी बच्ची है मेरी, छोटी छोटी मेरी लल्लू लाली। चलो जी मिलते हैं जी, अभी आके करीब करीब 9 बजने वाले हैं, बस निकलते हैं जी मौसी को लेकर, नहीं तो धूप ज्यादा हो जाएगी। चलते हैं। लो जी नई दिल्ली खड़े हुए जी, मामा जी आ रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं जी यहाँ पे, वो आ जाएं फिर निकलते हैं जी यहाँ से, फिर बताता हूँ आपका सारा सारा चक्कर क्या है, फिर बताता हूँ क्या रहा क्या नहीं रहा। ठीक है। सुबह सुबह उठे तो ये नज़ारा देखने को मिला अपने यहाँ पे पड़ोस में, मतलब पड़ोस में नहीं, मतलब ये हमारे घर से अगली वाली गली है, वहाँ पे आग वाग लग गई। ये जो धुआं सा दिख रहे हो ना, ये ऊपर साइड में ये, और ये सारे लोग खड़े हुए छत पे बाहर। अब इन्होंने पता नहीं फायर ब्रिगेड वगैरह को फ़ोन किया नहीं किया, कुछ कह नहीं सकते, शायद कर तो दिया ही होगा, बाकी धुआं अभी भी निकल रहा है। शॉर्ट सर्किट हुआ और भटाक भटाक की तगड़ी आवाज आ रही थी, अब बंद हुई है। पता नहीं, तो छाए सब छत पे आ गए।
धूप देख रहे हो कितनी तेज हो रही है, इसी धूप में, इसी धूप में लेने जा रहे हैं जी नया एसी। देखते हैं कौन सा लेते हैं। वैसे तो दो ही रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, चाचा ले रहे हैं ना, तो या तो डाइकन का या फिर पैनासोनिक का। चलते हैं जी मॉल, या मॉल चलते हैं, किसी शॉप पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे कौन सा सही रहेगा। मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है, दो में से एक, दो मतलब दोनों बेस्ट हैं। अब देखते हैं वहाँ चल के कौन सा भी डील मिलती है, दिखाते हैं आपको, आइए। और है ना सुबह है ना भाई, वहाँ पे कहीं तारों में ना आग उग लग गई थी, तो वैसे तो अब ठीक है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सेफ है और बाकी सब ठीक ही है। चलिए जी चलते हैं। ये डैकन का इसी लिया है, ये इसकी आई सर वैल्यू का क्लियर हो जाए भाई, ठीक है इसकी कम है 966 है पर ईयर। हाँ उसकी भी लगभग 1000 थी उसकी हिताशी, ये भी ऐसी सही है। भैया वो इंस्टॉलेशन की स्लिप बना देते हैं, हाँ जो आपने बताई थी ना, क्या क्या चार्जेस रहेंगे? हाँ उसमें देखिए सीधा सीधा है, इंस्टॉलेशन चार्जेस है जो स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन 700 प्लस GST है, उसके अलावा जो भी इक्विपमेंट अलग से लगेंगे जैसे एक्स्ट्रा पाइपिंग लगेगा तो वो आपका रहेगा 950 रुपये के हिसाब से पर मीटर, और जो एडिशनल वायर लगेगा 250 रुपये पर मीटर के हिसाब से, और जो स्टैंड लगेगा 850 प्लस GST 1050 या 1000 के आसपास, और उसके अलावा कोई डिसमेंटल तो नहीं होना एसी होना, हाँ तो डिसमेंटल चार्जेस होते हैं बस अलग से, और कुछ नहीं है। यही तीन इक्विपमेंट है जो लगते हैं एक्स्ट्रा, बाकी और कुछ नहीं है। खाली असेंबलिंग के लिए तो सिर्फ जो आपने बताया 750 प्लस GST है, 700 प्लस GST 820 रुपये के आसपास बस, ठीक है 820। सो हाँ जी गाइस घर आ लिए जी अपने, शाम हो चुकी है, और अच्छा अच्छा जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, ठीक है। और भाई नया एसी ले लिया है टाइकन का, और ये वाला क्यों नहीं लिया भाई, सीधी सीधी बात है भाई, क्रोमा नहीं देता PCB पे 5 साल की वारंटी, ठीक है, इसीलिए चेंज किया है। और मतलब अलग अलग ब्रांड भी लेने चाहिए, और उससे पता रहता है कि आपको किस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट इसी लिए थी क्योंकि इसकी कूलिंग कैपेसिटी जो टाइकन का जो 1.5 टन है ना उसकी 5000 वाट की है, कूलिंग के परसेंट 5000 से ऊपर की है, ठीक है। और इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है 100% वो 5400 वाट है, 5400 वाट, ठीक है, इसलिए ये मैंने लिया था। पर इसकी PCB वारंटी नहीं मिलती, मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, इस पे इसकी PCB की वारंटी नहीं मिलती। वहाँ पे एक केस आया हुआ था क्योंकि वो दूसरा प्रोडक्ट था, और वहाँ पे वो लोग बता रहे थे कि भी PCB की वारंटी होने के बावजूद भी वहाँ पे ना उनके जो जो कस्टमर आए हुए थे उनके ना शॉर्ट सर्किट हो गया था, तो शॉर्ट सर्किट की वजह से उनकी PCB उड़ गई थी, मतलब जल सी गई थी, तो उस पर उनको कोई वारंटी नहीं मिली थी क्योंकि उन्होंने स्टेबलाइजर भी नहीं लगा रखा था, तो स्टेबलाइजर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और चलिए जी, और नए ब्लॉग में मिलेंगे, और आपको टाइकन का भी रिव्यू देंगे पूरा पूरा, इंस्टॉलेशन की भी दिखाएंगे, जैसा भी होगा वो आपको सारा दिखा दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं जी किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ख्याल रखें और पेड़ जरूर लगाएं, गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी तो भाई सब चरम पे हो रही है, 46 डिग्री टेम्परेचर, बंदा दोपहर में बाहर जाए तो भून जाए, इतनी तेज तो वो हो रही है गर्मी। चलिए जी ध्यान रखिए अपना, और गन्ने का रस वगैरह पीते रहिए, ठंडक रहती है शरीर में, और ठीक है जी, जय श्री राम।